Hello and welcome back at Mastercam CNC milling operations tutorial. Mastercam के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2D sweep command के बारे में कि 2D sweep command क्या होता है, किस purpose के लिए use होता है और साथ ही हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इसके कुछ tricks के बारे में। कई बार होता है कि उस path पे हम इसका generate नहीं कर सकते tool path, but मेरे पास एक इस वीडियो में आपको मैं ऐसी trick बताने वाला हूँ जिससे जहाँ पर हमें एरर आता है तो उनका कैसे इजीली सॉल्यूशन हो सकता है। जैसा कि आप इस टूल पाथ में देख रहे होंगे कि हमारा जो टूल है वो नीचे से बॉटम टू टॉप की तरफ कटिंग कर रहा है। यदि आप ये चाहते हैं कि मेरा टॉप से बॉटम की तरफ कटिंग करे तो उसमें कैसे सेट चेंजेस किया जाता है, उसकी ट्रिक्स क्या होती है, वो सब भी इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो डेफिनेटली वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। चलिए इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले जो भी आपको टूल पाथ दिख रहा है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं क्लिक करूँगा एंड ओके, देन मुझे क्लिक करना है 2D स्वैप स्विफ्ट 2D। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और मुझे सबसे पहले अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो रहता है हमारा चेन सिलेक्शन। चेन सिलेक्शन में सबसे पहले मुझे क्या करना है, उस चेन को सिलेक्शन करना है जो कि मेरा प्रोफाइल का टाइप है। अभी मेरा यहाँ पे प्रोफाइल का टाइप जो है वो है फिलेट, तो मैंने इस पर क्लिक किया। देन मुझे इस चेन को सिलेक्शन कर लेना है, तो इसको मैंने चेन में सिलेक्शन कर लिया और इसको मैं पार्शियल में सिलेक्ट कर, तो यहाँ पे मैंने पार्शियल में इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया। देन मैं क्लिक करूँगा ओके पर, और अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा रहेगा, ये जो पॉइंट है इस पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। तो सिलेक्शन के समय ध्यान रहे, सबसे पहले आपको प्रोफाइल का जो है, जिस टाइप की प्रोफाइल आप कटिंग करना चाहते हैं उस चेन को सिलेक्शन करें, फिर उसको पाथ दें कि कौन सा पाथ आप देना चाहते हैं। अभी मैंने ओनली इसी चेन को सिलेक्शन किया है, बट प्रोग्राम जनरेट करूँगा मैं उस पूरे के पूरे फ्लिट एरिया के लिए करूँगा। तो कैसे होगा इस वीडियो में देखते रहिए आप। सबसे पहले मुझे टूल सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्ट टूल लाइब्रेरी, यहाँ पे मैं 10 mm का बॉल नोज यूज़ कर लेता हूँ। 10 mm के बॉल नोज के लिए जो फीड रेट यहाँ पे दे देता हूँ और साथ ही स्पिंडल स्पीड। देन मुझे यहाँ पे लिख देना है कमेंट में जो भी मुझे कमेंट देना है। अब मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, स्वैप 2D पैरामीटर्स। आई थिंक इसके अंदर मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर जो पैरामीटर रहते हैं, जो वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करता हूँ, तो जैसा आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली हमारा टूल पाथ जनरेट हो गया है। अब इसमें वन बाई वन करते हुए सभी पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अक्रॉस कट डिस्टेंस। अक्रॉस कट डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है कि जो आपका टूल पाथ है, आपका जो प्रोफाइल का है, उसका आप कट डिस्टेंस स्टेप ओवर कितना ले रहे हैं। अभी हमने लिखा 2.5, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस 2.5 पे कट, देन नेक्स्ट फिर उससे डिस्टेंस 2.5, जिसको नॉर्मली हम 0.3 टू 0.5 लेते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू डाल देता हूँ। नेक्स्ट वन है स्टॉक टू लीव, जिसका अर्थ है कि मुझे प्रोफाइल के नीचे यदि कुछ स्टॉक छोड़ना है तो कितना स्टॉक छोड़ना है पूरे प्रोफाइल पे, एक्स एंड जेड दोनों का कैलकुलेट करता है ये, तो कितना छोड़ना है वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। देन मैं यदि क्लिक पे ओक करता हूँ और रीजनरेट, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली हमारा जो टूल पाथ है उसी टाइप में रीजनरेट हो गया है, जिसका स्टेप ओवर अभी है हमारा 0.3 या 0.5, जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर में 0.3 दिया है तो 0.3। देन नेक्स्ट वन है हमारा रैपिड डेप्थ। अब रैपिड डेप्थ का अर्थ क्या होता है, रैपिड डेप्थ का अर्थ होता है कि ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रोफाइल में, यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिखा रही है आपको येलो लाइन, ये 5 mm जो वर्कपीस है उससे 5 mm पहले से कटिंग करना स्टार्ट कर देगी, वो वैल्यू रहती है रैपिड डेप्थ। जिसको हम नॉर्मली 50 mm तक रखते हैं, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको 50 mm पर रख के साइकिल स्टार्ट रीजनरेट करने पे ये ऑटोमेटिकली 50 mm ऊपर चली गई है, जिसका अर्थ है कि जो मेरा वर्कपीस है ये यहाँ पे जो आपको ये रैपिड की लाइन है अर्थात कटिंग बॉटम से स्टार्ट करेगा और ये कटिंग करने के बाद वापस जाने वाली लाइन है, तो ये कटिंग जो स्टार्ट करने वाला 50 mm ऊपर से कटिंग करते हुए आके कटिंग करेगा। देन नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है वो हमारा रहता है टिप कंपनसेशन। टिप कंपनसेशन में हमेशा हमें टिप ही सिलेक्शन करना है। देन साइन ऑप्शन, साइन ऑप्शन का में हमें बाई एंटिटी रखना है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इस पैरामीटर से। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल पैरामीटर रहता है वो रहता है हमारा अक्रॉस कट, अक्रॉस कटर कंपनसेशन इन कंप्यूटर एंड अलॉन्ग कटर कंपनसेशन इन कंप्यूटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ें ये है दोनों। सबसे पहले अक्रॉस, अक्रॉस का अर्थ क्या होता है कि हमारा ये वाला पाथ,
जो हमारा प्रोफाइल का पाथ है। अलोंग का अर्थ क्या हो गया कि हमारा पाथ जो है। तो अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो मेरा कटिंग करूँ मैं इसको, यदि तो सबसे पहले तो मुझे चारों तरफ कट हो, उस पर्पज़ के लिए क्या करना है मुझे, इसके लिए मैं जाऊँगा ज्योमेट्री, सेकेंड चेन को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करूँगा एडिट पर, और यहाँ पर मैं वापस पूरी की पूरी चेन को सिलेक्शन कर लूँगा। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे पूरी चेन सिलेक्शन हो गई, ओके ओके एंड रीजनरेट। तो जैसे ही मैंने रीजनरेट पर क्लिक किया तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरे के पूरे एरिया में ऑटोमेटिकली ये चेन सिलेक्शन हो गई है, टूल पाथ क्रिएट हो चुका है। अब यदि मैं इसे जनरेट करके आपको रन करके दिखाऊं तो जैसा आप देख पा रहे हैं बॉटम टू टॉप की तरफ कटिंग करता है, बट हम नहीं चाहते हैं कि बॉटम टू टॉप की कट करें, हम चाहते हैं कि पहला मेरा कट टॉप वाले फ्लिट पे लगे फिर बॉटम की तरफ जाए। तो इसके लिए मुझे जाना है ज्योमेट्री में, और जो मेरी पहली चेन है उस पर राइट क्लिक करना है, और मुझे क्लिक करना है इसमें एडिट में। एडिट में जैसा इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है कि स्टार्टिंग टू आगे की तरफ, तो मुझे इसकी डायरेक्शन को करना है चेंज, मुझे इसकी डायरेक्शन को बदल देना है। तो अभी यहाँ पे टॉप टू बॉटम कट होगा, ओके ओके एंड रीजनरेट। रीजनरेट करते ही डरे नहीं कि हमारा टूल पाथ कहाँ चला गया, गायब हो गया। एक्चुअली ये टूल पाथ नीचे बैठ चला गया, इस वर्क पीस के अंदर है। तो अभी जिसका अर्थ है कि मेरा प्रोग्राम तो गलत हो गया, बट ऐसा नहीं है, इसके लिए हमें फिर जाना है पैरामीटर्स में। अब जो हमारा यहाँ पे एक्रॉस कटर कंपनसेशन, उसे राइट करेंगे एंड रीजनरेट। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या फ़र्क पड़ता है, किन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। हुआ क्या था, जो हमारा ये टूल पाथ था वो हमारा जनरेट कंपनसेशन होके बॉटम में चला गया था। सिमिलरली यदि मैं करूँगा चेंज लेफ्ट में एंड रीजनरेट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट में करने से क्या हुआ, फ्लिट का जो है बाहर की तरफ ना होकर टूल पाथ अंदर की तरफ फ्लिट क्रिएट कर देता है। तो जब कभी भी आप जनरेट करें कंपनसेशन में थोड़ा बहुत चेंजेज हो जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आई विश कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा वर्क पीस जो है टॉप टू बॉटम में बेहद ही अच्छे से क्लीन तरीके से कटिंग कर रहा है। थैंक यू।